वेलकम बैक गाइस, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पर। और आप देख रहे हैं नॉक्स गेमिंग, और ये वीडियो है कि M416 क्यों अच्छी है ऑक से या किसी भी और गन से, होल्डिंग विद 5 की एमओ या बैरल से भी क्यों अच्छी है। तो इसका पूरा रिलेशन मैं इसमें बताता हूं, और साथ ही साथ आप इस वीडियो को एंड तक देखिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और हमें फॉलो करें इंस्टाग्राम पे नॉक्स के नाम से फॉर मोर अपडेट। तो गाइस, हम लोग यहाँ खेल रहे हैं क्विक मैच, और मैं अनफॉलो करके उतरता हूँ अपार्टमेंट्स पे। मेरा गेम में यहाँ पिंग बहुत सही आ रही है, आप देख ही सकते हैं कि 84 या 100 के आसपास की पिंग आ रही है, लेकिन मेरा गेम बहुत ज़्यादा ही चुपक रहा था। लेकिन मैंने यहाँ पे कई गन उठाई हैं, यहाँ पे देखिएगा मैं अभी कितना ज़्यादा चुपक रहा था कि मैं रूफ पे लैंड करते करते नीचे उतरा। और इसे डैमेज भी नहीं दे पाया, सो सॉरी फॉर दैट। और आप ध्यान से देखिएगा इस वीडियो को, क्योंकि मैंने कई गन उठाई लेकिन हमारा फेवरेट कॉम्बो ही बेस्ट होता है। और आप देख ही पा रहे होंगे मैंने M4 गलती से गिराई, फिर मैंने फिर M4 उठा ली। आप जब इसे नोटिस करोगे कि M4 क्यों अच्छी है, तो आप समझ पाओगे कि वाकई में M4 क्यों अच्छी है। यहाँ पे एक गन ड्रॉ करता हूँ मैं और फिनिश क्लियर फिनिश करता हूँ, और फिर लूटने के लिए आगे निकलता हूँ। आगे निकलते ही मेरे को मेरा फेवरेट कॉम्बिनेशन मिल जाता है M4 के साथ, जो कि बनता है M4 विथ 6X, जो कि उसे कमाल धमाल क्या ही बोलें, उसके ऊपर चार चांद लगा देता है। तो या हाँ, मैं लूट करता हूँ जल्द से जल्द कि जिससे मुझे बढ़िया से कोई स्कोप मिल जाए। रेड डॉट मिलता है, सब चीज़ मिलती है, ग्रोज़ा भी मिलती है, लेकिन मैं चाहता था कि मुझे या मैं टॉमी से भी मारने की कोशिश करता हूँ बंदे को, लेकिन जैसा कि मैंने पहले बताया गेम बहुत ज़्यादा चुपक रहा था, तो क्या ही बोलें, आप समझ सकते हो। कभी कभी पिंग हाई ना होने के कारण भी कभी कभी मोबाइल डिवाइस या कुछ कारणों से हो ही जाता है। मोबाइल डिवाइस तो यहाँ मेरी ठीक थी, लेकिन कोई डेटा इशू था जिसकी वजह से ऐसा हो रहा था। और अभी आप देखोगे कि यहाँ पे टॉमी से फिर मैं एक बंदे को नहीं खा पाया, और यहाँ मैं अपनी M4 लेके आगे कूद पड़ता हूँ उसके ऊपर उसे मारने के लिए। और यहाँ मुझे इत्तेफाक से एक नहीं दो दो बंदे मिल जाते हैं जिनको मैं फिनिश करता हूँ। इसके पास तो कुछ होता नहीं बिल्कुल। और एक ये जनाब पता नहीं क्या ही कर रहे थे भाई, क्या ही कर रहे थे। बगल में नीचे ग्रोज़र रखी है और कुछ नहीं, आराम से बिल्कुल मौज कर रहे हैं भाई। हो सकता है पिंग हाई आ रही हो, नो वन नोस। और यहाँ पे मैं गलती से 4X लगा दिया था ग्रोज़ा पे, कैसी चलेगी गॉड नोस। तो मैं यहाँ पे पूरे फिल करता हूँ 5 की एमओ और निकल पड़ता हूँ स्कूल की तरफ, लेकिन मेरे को इधर साइड से साउंड की आवाज़ आती है, और यहाँ मेरे को मिलता है मेरा फेवरेट 6X, जिसे मैं अपने लगा लेता हूँ जल्द से जल्द M416 पे। और अब मैं आगे निकलने के प्रयत्न करता हूँ, लेकिन कोई कारण उसे सोचता हूँ कि यहाँ नेट करूँ, जो कि नहीं गिरता है क्योंकि भाई ने टीममेट ने बंदे को मार दिया था, वो नेट फालतू जाता है। और अब मैं यहाँ निकलता हूँ आगे जाने के लिए, जिससे मैं कुछ कायदे का देखूँ और किसी को मारूँ। लेकिन यहाँ तो कोई बंदा दिखता नहीं है, एक बंदा दूर रनिंग करता हुआ दिख जाता है,
भाई बिल्कुल बॉब की तरह चल रहा होता है, उसको पहले से पकड़नी होती है, लेकिन मैं उसे नॉक करके उसका किल उठा देता हूँ। शायद मेरे ही टीममेट स्कूल की रूफटॉप से मार रहे होते हैं। मैं आके आराम से ग्रास में लेट जाता हूँ, क्योंकि अपन सामने से प्रोटेक्शन था, हाँ टीममेट्स का पीछे से प्रोटेक्शन था, मैं वन नंबर का। यहाँ से मुझे एक बंदा दौड़ते हुए दिख जाता है जिसे मैं रैंडम फायर देता हूँ, लेकिन ये वो मरता नहीं है। इसका भी किल मेरे को मिल जाता है पता नहीं कैसे, लेकिन फिर बचता है एक बंदा। वो एक बंदा इतने बड़े सर्कल में कहाँ था ये किसी को नहीं पता था, सब बस यही पूछे कहाँ है भाई। तो अब मैं जानता था कि स्कूल में तो हो नहीं सकता क्योंकि वो लोग रूफ टॉप पे हैं, अपार्टमेंट में हो नहीं सकता क्योंकि हम लोगों ने सारे अपार्टमेंट क्लियर किए थे, बचा एक ही जगह जहाँ जोन बनना था। तो पहले तो मुझे लगता है कि सामने खड़ा है, लेकिन मैं देखता हूँ नहीं, वो स्टोन है। फिर मैं आगे निकलता हूँ और देखता हूँ भाई जी क्या ही करें। फिर इत्तेफाक से वो दिख जाता है, मैं यहाँ तक आता हूँ तो जोन यहाँ से शिफ्ट हो जाता है। तब मेरे को समझ में आ जाता कि जोन के साइड है वो बंदा, और मैं दौड़ते हुए जाता, तो मेरे को दिख जाता है दौड़ते हुए। मैं उसे 6x लगा के स्प्रे देता हूँ, मैं 6x 3x पे था और मैं उसे कंट्रोल भी कर पा रहा था, लेकिन एक बंदे को एमो नहीं लग रही थी। काफ़ी डैमेज दिया, काफ़ी डैमेज दिया, और भाई पता नहीं कैसे हील कैसे हो गया, क्योंकि तो उसे दो हेडशॉट लगे थे। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, हमें राही प्यार के फिर मिलेंगे चलते चलते। डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन। एंड भाई इसी से हमारा चैनल चलता है, तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक जरूर करना और हमें फॉलो करें इंस्टाग्राम पे और ट्विटर पे, और सारे लिंक्स नीचे दिए हुए हैं, तो जल्द से जल्द जाके हर चीज़ कर लें।